हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे या हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो है एनाग्राम स्ट्रिंग चेकर। मतलब हमें चेक करना है कि जो दो स्ट्रिंग्स हमें गिवन है वो एनाग्राम्स हैं या नहीं। एनाग्राम क्या होता है, कैसे हम कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को और पता लगाएंगे कि वो एनाग्राम्स हैं या नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ पाइथन का कोड भी देखेंगे। एक बार हम स्यूडो कोड या इसका लॉजिक इंट्यूशन समझ लें, उसके बाद पाइथन कोड भी देखेंगे और लास्ट में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे उन सारी अप्रोचेस की जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकती है। स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। देखो, एनाग्राम का क्या मतलब है। एनाग्राम का ये मतलब है कि हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों सेम कैरेक्टर से बने हुए हैं, और अगर उन दोनों के कैरेक्टर्स को मैं मैच करूं तो ऑर्डर चाहे अलग हो सकता है लेकिन टाइप ऑफ कैरेक्टर सेम होने चाहिए। मतलब दो स्ट्रिंग, अगर सपोज मैं नाम दूं S1 और S2, अगर मेरे ये दो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं, S1 में है ABCD और S2 में स्टोर्ड है कैरेक्टर्स DCAB, ठीक है। अब ये दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है एक दूसरे के या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। हमें चेक करना है कि जो जो कैरेक्टर्स पहले स्ट्रिंग में आ रहे हैं वही कैरेक्टर्स उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रिंग 2 में भी आने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा रिपीटेशन नहीं होने चाहिए। अगर पहले स्ट्रिंग में सपोज एक कैरेक्टर है सी, वो 4 बार आ रहा है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो दूसरे स्ट्रिंग में भी वो 4 बार ही आना चाहिए, बस ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो दो स्ट्रिंग्स को हम एनाग्राम तब कहेंगे जब दोनों में सेम, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हो, सेम नंबर ऑफ टाइम्स ईच कैरेक्टर रिपीट हो रहा हो दोनों ही स्ट्रिंग्स में, ठीक है। लेकिन ऑर्डर अलग हो सकता है। सेम ऑर्डर है तो एनाग्राम्स होंगे ही। अगर मैं दो स्ट्रिंग्स लिखूं सपोज AB और AB, दोनों के सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम ऑर्डर में है तो एनाग्राम्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं AB और BA तो भी ये एनाग्राम्स हैं, लेकिन AB और BB एनाग्राम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में A एक बार आ रहा है और इस वाले स्ट्रिंग में A एक भी बार नहीं आ रहा, और B यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे B 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स नहीं है। अब पहली अप्रोच देखते हैं कि क्या पहला तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दो गिवन स्ट्रिंग्स एनाग्राम होंगे या नहीं। देखो, हमें पता है कि दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, और अगर कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो वो उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स दोनों में रिपीट होना चाहिए अगर दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है, ठीक है। तो हम बहुत ही इजी तरीका, जो सबसे फास्टेस्ट भी है सबसे स्मॉलेस्ट कोड भी आपको देगा, वो है सॉर्टिंग यूज करना। सॉर्टिंग मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम मैंने डिटेल में एक वीडियो में पढ़ाया था, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे दे रही हूँ, आप वो जाके समझ सकते हैं और फिर वापस इस वीडियो पे आइए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अगर आपको मर्ज सॉर्ट ऑलरेडी आता है तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे यूज होगी। देखो, अगर मेरे ये दो स्ट्रिंग्स हैं ABCD और DCAB, पहले वाले स्ट्रिंग को अगर मैंने सॉर्ट करा यानी अल्फाबेटिकली अरेंज करा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग आएगा, ABCD, ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकली अरेंज है। दूसरे वाले स्ट्रिंग को DCAB को मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज करा या सॉर्ट करा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो क्या आउटपुट आएगा, ABCD। तो दोनों स्ट्रिंग्स को अगर मैं सॉर्ट कर लेती हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर दोनों स्ट्रिंग्स अगर एग्जैक्टली सेम आते हैं तो वो दोनों एनाग्राम्स हैं, अदरवाइज वो एनाग्राम नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में हमारा बहुत आसान कोड है इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोड में एक फंक्शन बनाया है एनाग्राम नाम से। एनाग्राम में दो स्ट्रिंग्स जिन्हें हमें कंपेयर करना है कि वो एनाग्राम्स हैं या नहीं, वो दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने पास किया है। फिर पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है, जो भी उसमें मैंने स्ट्रिंग को पास किया है वो अल्फाबेटिकली अरेंज करके सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इफ कंडीशन में क्या चेकिंग कर रही हूँ कि जो स्ट्रिंग 1 है और जो स्ट्रिंग 2 है, अगर इन दोनों के सॉर्टेड ऑर्डर सेम आते हैं, एग्जैक्टली सेम है इन दोनों के आउटपुट आफ्टर सॉर्टिंग, तो ट्रू रिटर्न कर दो। ट्रू रिटर्न कर दो मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है।
है, और अगर सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करने के बाद आउटपुट सेम नहीं आते तो फॉल्स रिटर्न कर दो, यानी दोनों एनाग्राम्स नहीं है। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे, मैंने यहाँ पे एक डमी स्ट्रिंग लिया है माइंड योर एग्जाम, और दूसरा स्ट्रिंग लिया है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, हमें नहीं पता अभी, देखने से नहीं एकदम से पता लग रहा कि दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स होंगे या नहीं। अब देखो, अगर मैं पहले वाले स्ट्रिंग पे सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करती हूँ, तो अगर आप इन्हें अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके के ऑर्डर में सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो सॉर्टेड ऑर्डर जब आप इन दोनों पे सॉर्टेड फंक्शन दोनों स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये इस ऑर्डर में दोनों स्ट्रिंग का आउटपुट आएगा एग्जैक्टली सेम। एक्चुअली जो ये सेकेंड स्ट्रिंग है ये पहले स्ट्रिंग से ही बना है, पहले मैंने सारे वॉवल्स लिख दिए जो पहले वाले स्ट्रिंग में आ रहे थे, देखो ए ई आई ओ और यू, ये सारे मैंने वॉवल्स पहले लिख दिए और फिर उसके बाद मैंने सारे रिमेनिंग अल्फाबेट्स लिखे हैं। तो दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, सेम टाइप के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये दोनों सॉर्टेड फंक्शन जब इन पे अप्लाई होगा तो सेम आउटपुट देंगे, जो कि इस तरीके से होगा, और दोनों सेम है तो ये एनाग्राम्स हैं, तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। क्योंकि जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे एनाग्राम स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 का, तो इफ कंडीशन में क्या रिटर्न होगा, जो भी यहां से रिटर्न वैल्यू आई होगी, ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर ट्रू होगी रिटर्न वैल्यू तो आपका ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। अगर यहां पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई होगी तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी अप्रोच पे। पहली अप्रोच हमारी सॉर्टिंग को यूज़ कर रही है, दूसरी अप्रोच हमारी यूज़ करेगी मैप या हैश मैप को पाइथन में, या फिर आप मैप फंक्शन को, मैप डेटा स्ट्रक्चर को बाकी लैंग्वेजेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मैं पाइथन कोड इसके लिए समझा दूंगी, आप बाकी लैंग्वेज जिसमें चाहे उसमें इंप्लीमेंट कर लें। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, हैश मैप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हैश मैप क्या होता है ये मैंने पहले की वीडियोस में भी समझाया है, मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में भी और टॉप राइट कॉर्नर में भी एक लिंक दे रही हूँ, जिसे आप हैश मैप समझ सकते हैं और फिर वापस से इस वीडियो को आके यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपकी इस अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, अब मैं इजी वाला एग्जांपल से समझाती हूँ, जो मैंने ए बी सी डी वाला एग्जांपल लिया था और इसे मैं चेक करा रही हूँ डी सी बी ए से। ठीक है, कि ये दोनों एनाग्राम्स हैं या नहीं। हैश मैप हमें इनिशियली एक एम्प्टी हैश मैप लेना है, पहले वाले स्ट्रिंग को मैं ट्रेवर्स करूँगी, यानी एक एक करके उसके एलिमेंट्स को, उसके कैरेक्टर्स को पिक करूँगी और चेक करूँगी जो भी मेरा हैश मैप है, अगर उसमें जो मैं करंटली कैरेक्टर देख रही हूँ वो कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हैश मैप में उस कैरेक्टर के काउंट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, और अगर हैश मैप में वो कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता तो उस कैरेक्टर को ऐड कर दो हैश मैप में और फिर उसके काउंट को सेट कर दो 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा पहला स्ट्रिंग है ए बी सी डी, उसके पहले कैरेक्टर को मैं देख रही हूँ, पहला कैरेक्टर है ए, अभी मेरा हैश मैप कंप्लीटली एम्प्टी है तो ए नहीं प्रेजेंट हैश मैप में, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए एलिमेंट को इंसर्ट करना है हैश मैप में और उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके काउंट को 1 सेट कर देना है। अभी तक हमने स्ट्रिंग 1 में एक बार देखा है ए को, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम आगे अपने लूप वेरिएबल को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा सेकंड कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है वेरिएबल, लूप वेरिएबल, सेकंड कैरेक्टर है बी, बी भी यहाँ पे हैश मैप में अभी नहीं प्रेजेंट तो मैं बी को भी ऐड कर दूंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दूंगी 1। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं ए बी सी डी बी, ताकि आपको रेपिटेशंस के लिए भी पता लग जाए, और यहाँ पे भी एक कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं डी सी बी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बी को देख लिया तो हमारा लूप वेरिएबल एक स्टेप आगे बढ़ेगा, सी भी हमारे हैश मैप में नहीं है तो उसको हम ऐड करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 सेट कर देंगे। फिर मेरा लूप वेरिएबल एक इंक्रीज होके डी कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा, डी कैरेक्टर भी हैश मैप में नहीं है, पहले स्ट्रिंग हम देख रहे हैं तो डी कैरेक्टर को हैश मैप में ऐड करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 सेट कर देंगे। अब बी मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जब मेरा पॉइंटर, लूप पॉइंटर या लूप वेरिएबल इंक्रीज होगा। जब मैं यहाँ पे सेकेंड वाला बी देखूंगी
और मैंने चेक किया कि क्या हैश मैप में बी प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल हैश मैप में बी प्रेजेंट है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, जो भी बी की करंट फ्रीक्वेंसी है, जो भी उसका करंट काउंट है, उसे एक से इंक्रीज कर दूंगी। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने पहले स्ट्रिंग में बी को दो बार देखा है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग तो पूरा हो गया, हमने उसके सारे एलिमेंट्स देख लिए। अब हमें अपने दूसरे वाले स्ट्रिंग पे आना है, कंपेयर करना है कि ये पहले स्ट्रिंग का एनाग्राम है या नहीं। अब कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में जब हम दूसरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक एक करके हम दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को पिक करेंगे और हैश मैप में देखेंगे कि क्या वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दो। तो पहले स्ट्रिंग के केस में हमने चेक किया था कि अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक से बढ़ा दो, या फिर फ्रीक्वेंसी को वन सेट कर दो अगर कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। जब हम स्ट्रिंग टू के लिए चेकिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि जो भी कैरेक्टर हम करंटली देख रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हैश मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दो। ठीक है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वहीं पे ब्रेक कर जाओ। मतलब हमने एक ऐसा कैरेक्टर देखा है सेकेंड स्ट्रिंग में जो कि पहले स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो वो मैच ही नहीं कर रहा किसी कैरेक्टर से स्ट्रिंग वन में, मतलब वो एनाग्राम नहीं है। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग टू में प्रेजेंट है तो वो स्ट्रिंग टू के एनाग्राम में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, पर अगर वो स्ट्रिंग वन में प्रेजेंट नहीं है तो मतलब स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू एनाग्राम्स नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई केस नहीं मिला, हमें सारे कैरेक्टर्स हैश मैप में मिले हैं और सब्ट्रैक्ट करते करते, माइनस वन करते करते हमारे लास्ट में सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी या काउंट ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो जो कैरेक्टर्स स्ट्रिंग वन में देखे थे वही कैरेक्टर्स हमने इस स्ट्रिंग टू में भी देखे हैं, और हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं या आउटपुट कर सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारे एनाग्राम हैं। तो आइए एक एक करके स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर्स को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये अप्रोच कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले जब मैं लूप लगाऊंगी स्ट्रिंग टू पे, यहाँ पे मेरा पहला कैरेक्टर है डी, तो मैं चेक करूंगी डी कैरेक्टर क्या मेरे उसमें प्रेजेंट है हैश मैप में। हाँ बिल्कुल डी कैरेक्टर मेरा हैश मैप में यहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे मैं एक रिड्यूस कर दूंगी या माइनस वन कर दूंगी, तो वन माइनस वन यहां पे जीरो हो जाएगा। फिर मैं अपने लूप के वेरिएबल को एक आगे इंक्रीज करूंगी। लूप अब पॉइंट कर रहा है सी कैरेक्टर पे, क्या यहां पे मेरे पास हैश मैप में सी है? हाँ बिल्कुल है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, चाहे 1, 2, 10, 100, उसे एक वन, मतलब एक सिंगल वैल्यू से रिड्यूस कर दो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट कैरेक्टर जो मेरा लूप वेरिएबल पॉइंट करेगा वो है बी। बी भी मेरा हैश मैप में प्रेजेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी थी टू, इसे मैंने वन से रिड्यूस करा तो फ्रीक्वेंसी आ गई वन। नेक्स्ट मैं जो कैरेक्टर देखूंगी वो होगा ए। ए भी मेरा हैश मैप में प्रेजेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने वन से रिड्यूस करा, फ्रीक्वेंसी आ गई जीरो। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर देखा बी। बी अभी भी प्रेजेंट है हैश मैप में। देखो अभी जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है वो सारे एलिमेंट्स भी हैश मैप में ही प्रेजेंट है। किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी वैल्यू, ये तो हो गई कि जो कि एक्चुअल एलिमेंट है, ये हो गई उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर वैल्यू जीरो भी हो जाती है या नेगेटिव भी हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हैश मैप से रिमूव हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, उसकी बस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है, पॉजिटिव से जीरो या नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो हमने जब लास्ट वाला अपना बी देखा सेकंड वाले स्ट्रिंग में, तो इस केस में बी की अभी फ्रीक्वेंसी थी वन, इसे मैंने रिड्यूस कर दिया और अब इसका काउंट या फ्रीक्वेंसी हो गई जीरो। अब इस केस में मेरे पास सारे कैरेक्टर्स फिनिश हो गए हैं। सपोज यहां पे कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता, सपोज एच। अब आप जब चेक करते एच प्रेजेंट ही नहीं है आपके हैश मैप में, तो यहां पे आप ब्रेक कर सकते थे, आपको फर्दर स्ट्रिंग टू को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एच स्ट्रिंग वन में ही प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए वो हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा कैरेक्टर आ जाता ए, ए की फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं यहाँ पे, अगर एक एक्स्ट्रा ए प्रेजेंट है स्ट्रिंग टू में तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें एक और कम करना पड़ता है, यानी जीरो से वो माइनस वन हो जाती। ये केस भी दिखाता है कि सेकेंड वाले स्ट्रिंग में एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग वन में नहीं था। ठीक है, जब हमने सारे कैरेक्टर्स देख लिए स्ट्रिंग टू के, तब हम ये चेक करेंगे कि क्या अब जो फाइनल वैल्यूज, फाइनल फ्रीक्वेंसीज हैं सारे सारे कैरेक्टर्स की हैश मैप में, क्या वो ज़ीरो है या नहीं। अगर सारी फ्रीक्वेंसी, सारी वैल्यूज़ जो हैश मैप में है वो ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स हैं और ये दोनों एनाग्राम्स हैं। अगर कोई भी की ऐसी हमारी निकली जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़ीरो नहीं थी हैश मैप में स्ट्रिंग टू के ख़त्म होने के बाद भी, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ये दोनों एनाग्राम्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसका पाइथन कोड देख लेते हैं। पाइथन कोड में अगेन मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स में आप दो वो स्ट्रिंग पास करेंगे जिन पे आपको चेकिंग लगानी है कि वो एनाग्राम्स हैं या नहीं। सबसे पहले तो एक सिंपलेस्ट चेकिंग है कि अगर दोनों स्ट्रिंग की जो आपने लेंथ फाइंड आउट करी है, अगर वो लेंथ ही दोनों की सेम नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ज़्यादा है और दूसरे स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट। तो अगर लेंथ ही दोनों स्ट्रिंग की मैच नहीं करती, तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो कि स्ट्रिंग एनाग्राम्स नहीं है, और यहीं से आप अपने फंक्शन में, आप अपना फंक्शन का काम आपका पूरा हो गया और रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स की अगर लेंथ सेम है, तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब आप आओगे नेक्स्ट यहाँ वाले स्टेटमेंट पे, हैश मैप इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है, मैंने एक वेरिएबल लिया है हैश मैप जिसको एक डिक्शनरी की तरह डिक्लेयर करा है। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके भी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है हैश मैप, वो एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में वैल्यू स्टोर होंगी। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा पहला स्ट्रिंग था, देखो n में मैंने पहले स्ट्रिंग की वैल्यू लेंथ स्टोर करवाई थी, तो मुझे एक फॉर लूप लगाना है जिसमें मैं स्ट्रिंग वन के हर एक वेरिएबल को चेक करूंगी कि क्या वो स्ट्रिंग वन का वेरिएबल जो भी कैरेक्टर है, सॉरी स्ट्रिंग वन का जो भी कैरेक्टर है, वेरिएबल नहीं कैरेक्टर जो है, वो हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक बढ़ा दो, प्लस कर दो। और अगर वो हैश मैप में नहीं प्रेजेंट, यानी डिक्शनरी में अभी वो पेयर है ही नहीं उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या करो, उस कैरेक्टर को इंक्लूड कर दो डिक्शनरी में और उसकी वैल्यू को सेट कर दो वन, उसके काउंट या फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो वन। ठीक है, अब ये पूरा लूप जब मेरा काम हो जाएगा, तब इसका मतलब है कि मैंने अपना पूरा फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर लिया है, उसके सारे कैरेक्टर्स को देख के उनको हैश मैप में इंक्लूड कर दिया है और उनकी सही फ्रीक्वेंसी को भी डाल दिया है। अब आते हैं हम सेकेंड लूप पे। सेकेंड लूप क्या करेगा, वो स्ट्रिंग टू पे, यहाँ पे एम लिखा है ना, स्ट्रिंग टू पे वर्क करना शुरू करेगा। स्ट्रिंग टू पे कैसे वर्क करेगा, स्ट्रिंग टू का एक एक कैरेक्टर वो पिक करेगा और देखेगा कि क्या जो भी कैरेक्टर मैंने अभी स्ट्रिंग टू में देखा है वो हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर हैश मैप में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दो, माइनस है ना यहाँ पे, तो एक से रिड्यूस कर दो। और अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिलता है जो कि हैश मैप में है ही नहीं, तो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो कि स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स नहीं है, आप यहां से रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर लूप जब खत्म होगा आपका, आपने सेकेंड स्ट्रिंग भी ट्रेवर्स कर लिया है, पहले वाले फॉर लूप से आपने पहला वाला स्ट्रिंग पूरा चेक किया था, अब आपने डिक्शनरी में वैल्यूज जो भी आपका हैश मैप था उसे रिड्यूस कर दिया है, और अब ये हमें देखना है कि क्या सारी कीज जो हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके काउंट जीरो हो गए हैं या नहीं। तो उसके लिए एक थर्ड फॉर लूप लगेगा, उसमें मैं एक एक करके सारी कीज जो भी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, मैंने एक साथ एक
वेरिएबल में डाल दी है, एक लिस्ट सी यहाँ पे बन जाएगी सारी कीज की। फिर मैं चेक करूँगी, एक एक की को पिक करूँगी और देखूँगी क्या हैश मैप में इसकी वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो कि ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं आता जहाँ पे आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो, ना आपने यहाँ पे रिटर्न करा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपने रिटर्न नहीं करा, ना आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिटर्न करा और ना आपने टॉप वाले किसी पॉइंट पे रिटर्न किया होगा, इसका क्या मतलब है कि आप लास्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाओगे और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट सारे लूप से बाहर है। देखो ये सारे लूप के सेम लेवल पे ही है, सेम इंडेंटेशन लेवल पे है। तो ये लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं। यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, स्ट्रिंग वन के केस में सेम स्ट्रिंग रखा है माइंड योर एग्जाम, और स्ट्रिंग टू में मैंने बस इतना सा चेंज किया है कि कैपिटल कर दिए मैंने तीन कैरेक्टर स्मॉल केस की जगह। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर्स अलग तरीके से ट्रीट होंगे जब वो डिक्शनरी में चेक होते हैं, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ स्मॉल m क्या बराबर है कैपिटल m के, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो पहले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे थे, ऑल्दो हम बिल्ट इन सॉर्टेड फंक्शन यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो सॉर्टेड फंक्शन भी इंटरनली मर्ज सॉर्ट को यूज़ करता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मर्ज सॉर्ट की हमने जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझी थी, तो हमने देखा था जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मर्ज सॉर्ट जब हम किसी n एलिमेंट की लिस्ट पे या एरे पे वर्क कराते हैं तो उसकी सॉर्टिंग में उसको टाइम लगता है n log n। तो यहाँ पे भी अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करा रहे हैं, पहले वाले में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n log n, दूसरे वाले में m एलिमेंट्स थे तो टाइम लगेगा m log m, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी पहले अप्रोच की। और पहले अप्रोच में अगेन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी जो होगी वो सॉर्टेड फंक्शन की वजह से ही होगी, और सॉर्टेड फंक्शन इंटरनली मर्ज सॉर्ट को यूज करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेगा। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो कितने साइज का होगा, पहले वाले स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए उसे n साइज का एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा, और दूसरे वाले स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए उसे m साइज का स्पेस चाहिए होगा। देखो कई बार हम जो बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से वो लिखे गए हैं, कोड करे गए हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि क्या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इंटरनली सॉर्टेड फंक्शन मर्ज सॉर्ट यूज करता है और एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज करता है जैसे एक नॉर्मल मर्ज सॉर्ट करेगा, तो उस केस में यहाँ पे ये दोनों टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएंगे, ठीक है। अब अगर फ्यूचर में ऐसी इम्प्लीमेंटेशन आती है सॉर्टेड की जो नहीं मर्ज सॉर्ट को और एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करती, तो यहाँ पे स्पेस और टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी फिर इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच में हम हैश मैप यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे तीन लूप लगाए हैं। पहला लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पहले एरे में। फिर दूसरा लूप कितनी बार चलेगा, जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे दूसरे वाले स्ट्रिंग में, सॉरी जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पहले वाले स्ट्रिंग में। और फिर दूसरा लूप चलेगा जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे सेकंड स्ट्रिंग में। और जो कीज वाला लूप था जिसमें मैंने सारी कीज पे हैश मैप में जितनी भी कीज प्रेजेंट है उस पे लूप लगाया था, वो भी कितनी नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो टोटल यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम हो जाएगा यहाँ पे। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। सेकंड केस में हम हैश मैप यूज कर रहे हैं और हैश मैप कितने साइज का बनेगा, जितने साइज का पहला स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ एन यूज होगा।
तो ये थी आज की दो अप्रोचेस ये चेक करने के लिए कि ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं। देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, चाहे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम से रिलेटेड हो, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और उतने ही जल्दी आप किसी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस प्लेसमेंट सीरीज में बने रहिए। अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सो जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।